फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे मैथ्स का शॉर्ट ट्रिक के बारे में, जो कि है आपका चैप्टर अलजेब्रा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे x प्लस वन बाई एक्स बराबर में 7 दे दे या फिर कोई और नंबर दे दे और आपसे x के पावर 5 या फिर x के पावर 4 या फिर x के पावर 3 इस तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर, जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी हो या फिर रेलवे हो, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, कॉमन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है और आने की संभावना है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं, बाय ट्रिक कैसे कर सकते हैं, मात्र 2 सेकंड में। वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको ये सीखने को मिलेगा कि पावर 5 तक भी रहे ना तो मात्र 2 सेकंड में ही क्वेश्चन को बना सकते हैं। एग्जाम में क्या होता है, टाइम सेव करना। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिए, छोटा वीडियो है, बहुत काम का वीडियो है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्वायर वाला से स्टार्ट किए हैं, उसके बाद फिर पावर 5 तक जाएंगे। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। देखिए x प्लस वन अपॉन में x बराबर में 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो डायरेक्ट क्या करिए कि a का स्क्वायर और माइनस में 2 कर दीजिए। तो a का स्क्वायर करेंगे तो 25 और माइनस 2 करेंगे तो 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी रुकिए, अभी कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसका मैं बेसिक समझाता हूँ कि कैसे होता है, 23 आंसर कैसे होगा। ये तो बाय ट्रिक हो गया। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ट्रिक आपके ध्यान में नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं इसका बेसिक समझाना चाहता हूँ। देखिए ये है आपका, तो इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर और प्लस में 2 ए इंटू में बी यानी एक्स और इंटू में 1 अपॉन में एक्स और बराबर में इस साइड भी स्क्वायर होगा तो 25। ठीक है, ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर और ये 2 प्लस में है तो उस साइड जाकर माइनस में हो जाएगा। तो 25 माइनस में 2 कितना बचेगा आंसर, 23। 23 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करना है, बराबर के इस साइड जो है डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके और माइनस में 2 कर देना है, कब, जब स्क्वायर करना हो तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है। देखिए दो दो क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर होते चले। एक क्वेश्चन में बेसिक ट्रिक दोनों बताएंगे, दूसरे क्वेश्चन में केवल ट्रिक बताएंगे ताकि छोटा वीडियो बन पाए, आपका कम समय में बहुत अच्छा काम हो पाए। ठीक है, क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर करके माइनस 2 कर देते हैं तो 7 × 49 और माइनस में 2 कितना हो जाएगा, 47। 47 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये a प्लस 1 अपॉन में a बराबर में 1 है तो क्यूब हमसे पूछा है कि ए क्यूब प्लस 1 अपॉन में ए क्यूब की वैल्यूज कितना होगा। तो ध्यान से देखिए इसका ट्रिक क्या है कि इसका स्क्वायर कर देंगे यानी सॉरी इसका क्यूब कर देंगे तो ए क्यूब और माइनस में 3 और इंटू में a, तो a की वैल्यू तो 1 है तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा और माइनस में 3 और इंटू में a की वैल्यू कितना है, 1 है तो मल्टीप्लाई 1 कर देंगे तो 1 में से 3 जाएगा तो कितना आंसर बचेगा, माइनस 2। तो माइनस 2 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन RRB ALP 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आपके सामने। ठीक है, अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि ये होता कैसे है। डायरेक्ट क्या करना है, क्यू हमसे पूछेगा तो क्या करना है कि ए क्यू और माइनस में 3 इंटू में ए कर देना है और स्क्वायर पूछेगा तो क्या करना है, ए स्क्वायर और माइनस में 2 कर देना है। ठीक है, इसका मैं बेसिक समझा देता हूँ थोड़ा क्यूब का। देखिए इसका अगर क्यूब करते हैं तो ए प्लस 1 अपॉन में ए का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस में 1 अपॉन में ए क्यू, ठीक है, प्लस में 3 ए इंटू में बी, 3 ए इंटू में बी और इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी यानी जो वैल्यू है तो ए और प्लस में 1 अपॉन में ए प्लस बी करना है तो वो लिख दिया मैंने, ये ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें वैल्यू किसका चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। देखिए बराबर की साइड 1 था तो 1 का भी क्यूब करेंगे क्योंकि जो भी करते हैं वो दोनों साइड करते हैं, क्यूब किए तो दोनों साइड क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो हमें वैल्यू चाहिए ए क्यू और प्लस में 1 अपॉन में ए क्यू। ध्यान से देखा जाए तो 1 है तो यहाँ पे 1 रहेगा, ये 3 है तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा, माइनस में 3 और a प्लस 1 अपॉन में a की वैल्यू कितना है, 1 है तो मल्टीप्लाई 1 कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1 तो 1 में से 3 जाएगा, हमें वैल्यू चाहिए इसका तो 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आंसर आपका, माइनस 2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। यही आपका कॉन्सेप्ट है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को बाय ट्रिक करते हैं। ट्रिक क्या है कि ए क्यू माइनस में 3 इंटू में a, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा और माइनस में 3 और इंटू में a, तो 27 और माइनस में 3 और इंटू में a की जगह क्या है, 3 है तो 3 कर देंगे तो 27 में से 9 जाएगा तो राइट आंसर कितना बचेगा आपका, 18। 27 में से 9 जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18। ठीक है, देखिए कितना जल्दी कर लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन पावर 4 वाला है।
ए प्लस वन अपॉन में ए की वैल्यू 4 है, तो ए पे पावर 4 प्लस वन अपॉन में ए पे पावर 4 की वैल्यू कितना होगा। देखिए ट्रिक बताते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर इसका भी बेसिक ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस आपको हिंट्स दे देंगे कि ऐसे ऐसे कीजिएगा तो बेसिक से भी आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करना है कि स्क्वायर जब पूछ रहा था तो एक बार इसका स्क्वायर करके माइनस 2 करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पावर 4 पूछा है तो क्या करेंगे कि डबल स्क्वायर करके और दो बार माइनस 2 कर देना है। कैसे, देखिए प्रैक्टिकली होना जरूरी है ना, देख लीजिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 14, अब फिर जो भी वैल्यू जाएगा, अब हमसे पावर 4 पूछा है तो एक बार और स्क्वायर करके माइनस में 2 कर देना है, ठीक है, तो एक बार और स्क्वायर इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 196, और 196 में से फिर से माइनस 2 कर देना है तो 194। जब भी पावर आपसे 4 पूछे तो एक बार और स्क्वायर करके और माइनस में 2 कर देना है। स्क्वायर जब पूछता था तो एक बार स्क्वायर करके माइनस 2 कर देते, लेकिन डबल स्क्वायर पूछा है हमसे, पावर 4 पूछा है तो दो बार स्क्वायर करके माइनस दो बार 2 कर देना है, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका बेसिक थोड़ा हिंट्स दे देते हैं, ज़्यादा बताएंगे नहीं, आप खुद ही कर लीजिएगा। इसका अगर स्क्वायर करते हैं ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन में ए स्क्वायर, और फिर जो भी वैल्यू जाएगा तो 4 चौक 16 और 16 में से माइनस 2 करते थे तो यहाँ पे बच जाएगा 14, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में वन अपॉन में ए स्क्वायर की वैल्यू कितना बच जाएगा 14। अब फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर पावर 4 बन जाएगा, तो ए पे पावर 4 प्लस में वन अपॉन में ए पे पावर 4 और प्लस में 2 ए स्क्वायर और इंटू में वन अपॉन में ए स्क्वायर, यानी ए और इंटू में बी, ठीक है, तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर 14 का स्क्वायर 196, ठीक है, ये 2 को उधर ले जाइएगा तो 194 आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पावर 4 वाला ही क्वेश्चन है, उसके बाद पावर 5 वाले क्वेश्चन आएंगे, ये RRB ALP 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर करते हैं, तो 25 में से 2 जाएगा तो 23, ये तो स्क्वायर का ही हो गया, जब यहाँ पे स्क्वायर पूछता तब की बात है, तब का आंसर है, लेकिन पावर 4 पूछा है तो इसका भी एक बार स्क्वायर और माइनस में 2, तो इसका स्क्वायर होता है 529 और माइनस में 2, यानी 527 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना जल्दी कितना ईजिली कर पाते हैं आप सोच सकते हैं, अगर एग्जाम के अंदर बैठते हैं और ये ट्रिक आपको नहीं पता है तो बेसिक से बनाने में कितना टाइम लगेगा आप खुद ही सोच सकते हैं। और टाइम एग्जाम में क्या होता है कि एक एक सेकेंड टाइम मैंने रखता है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पावर 5 वाले क्वेश्चन में क्या करना है ये ट्रिक समझ लीजिए, उसके बाद बेसिक का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, वीडियो कोई बड़ा नहीं बना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है। सबसे पहले ट्रिक ही बता देते हैं ताकि आप हड़बड़ी में हो तो वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना है तो एक मिनट और रोक सकते हैं, ठीक है अपने आप को। तो देखिए ये ए की वैल्यू है तो ए का क्यूब और माइनस में 3 इंटू में ए एक बार कर देना है, ए क्यूब, इसका ट्रिक क्या है, ए क्यूब माइनस में 3 इंटू में ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस में 2 और मल्टीप्लाई सॉरी एक बार माइनस में ए कर देना है, ये ट्रिक है आपका। ए की वैल्यू कितना है 4 है। देखिए प्रैक्टिस 2-4 क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये ध्यान में ही आ जाएगा, पूरा याद ही हो जाएगा कि क्या कहाँ कैसे लिखना है, ठीक है। और नया बारे में देखते हैं थोड़ा अजीब लगता है कि इतना बड़ा फार्मूला, इतना बड़ा फार्मूला याद करना होगा ट्रिक के लिए, अरे कुछ बड़ा फार्मूला है नहीं, ये आता कैसे हुआ, कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा अभी एक मिनट में, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, और 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका ए क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 64 और माइनस में 3 इंटू में ए तो 4 3 12 3 और मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, ठीक है, मैं ये समझा रहा हूँ इसलिए इतना लेट लग रहा है, ठीक है ना, डायरेक्ट करना होता तो पिछले वाले क्वेश्चन में देखे डायरेक्ट करते हैं तो कितना जल्दी आंसर आ गया, ए का स्क्वायर यानी 4 चौक 16 और माइनस में 2 और माइनस में ए, ए की वैल्यू कितना है 4 है, तो 64 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 64 में से 12 घटेगा तो 52 मल्टीप्लाई यहाँ पे बच जाएगा 14 और माइनस में 4, 14 2 28 के 8 बच गया 2 और 14 5 70 और 2 72 428 और माइनस में 4 यानी 728 माइनस में 4 यानी 724 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका थोड़ा बेसिक समझ लीजिए कि आता कैसे है, इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद रखे, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए और यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ये बनता कैसे है। देखिए ध्यान से, हमें पावर 5 तक पहुंचना है, तो पावर 5 तक पहुंचना है तो एक बार इसका क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब और प्लस में 1 अपॉन में एक्स क्यूब करेंगे तो इसका वैल्यूज कितना हो जाएगा, इसका क्यूब और माइनस में 3 इंटू में ए करते हैं जब इसका वैल्यू निकालना होता था तब, तो इसका क्यूब करेंगे तो 64 और 64 में से माइनस में 3 इंटू ए यानी 12 तो इसका वैल्यू कितना बन जाएगा 52 बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि हमें पावर में 5 लाना है तो एक बार स्क्वायर करना होगा इसको, तो एक बार स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर और माइनस में 2 तो 4 चौक 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा
14, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, LHS से LHS, RHS से RHS, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर में इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा, x के पावर 5, ठीक है, और प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, ठीक है, प्लस में। फिर सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, ये ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो 1/x बच जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर से सेकेंड वाले को सेकेंड वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बच जाएगा, प्लस में 1/x^5, और बराबर में ये 14 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 52, तो ये 14 × 52 728 हो जाएगा आपका। अब हमें वैल्यू चाहिए x^5 प्लस में 1/x^5, तो ये एक्स्ट्रा जो बच रहा है प्लस में x प्लस 1/x वैल्यू एक्स्ट्रा बच रहा है इस साइड, इसको इस साइड ले जाएंगे क्योंकि हमें x^5 प्लस में 1/x^5 की वैल्यू चाहिए। तो इसका वैल्यू कितना है, x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है आपको क्वेश्चन में 4, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो 4 माइनस करना होगा, तो 728 में से 4 माइनस करेंगे तो 724 आपका राइट आंसर बन जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको हर कॉन्सेप्ट हर ट्रिक समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक एक कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। मैं बहुत छोटा वीडियो बनाता हूँ लेकिन काम का वीडियो होता है, मैं खुद का टाइम और आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, ठीक है। मैं ये सोचता हूँ कि कम समय में बहुत कुछ किसी को सिखा पाऊँ या फिर अपना टाइम भी बर्बाद ना करूँ दो दो घंटा पाँच पाँच घंटा का वीडियो बनाकर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।